मेरे दोस्त, जो हमारी पुरानी जनरेशन है, जो हमारे ओल्ड जनरेशन है, वो पहले देखा करते थे कि लोग कहते थे कि चचा हम पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम जॉब करेंगे, हम मुंबई में जाके अच्छा खासा जॉब करेंगे। लेकिन आज क्या देख रहे हैं? आज देख रहे हैं कि जो 10वीं पास नहीं किया है वो भी हमको यूट्यूबर बनना है, हमको यूट्यूबर बनना है। जो अभी 12वीं में है, अभी तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, हमको यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनना है। क्योंकि YouTube पे बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को सक्सेस किया है, बहुत से लोग आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। अब उसी के चक्कर में, चक्कर के अच्छी बात है, हमेशा लोग इंस्पायर होते हैं, मैं भी इंस्पायर हुआ था। अब उसी के चक्कर में आज भी लोग YouTube पे मेहनत कर रहे हैं, आज पट्टे चक लेने दे, आज पट्टे चक लेने दे, लगे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन टाइम टाइम फुस चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। अब इसकी दवा क्या है? तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे आइडिया के बारे में जिसकी मदद से आप ट्रेंडिंग टॉपिक का यूज करके आप अपने चैनल को आराम से ग्रो कर सकते हो। नहीं तो यार, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगे रहो 15 साल, मैं मिलूंगा आपको 18 साल बाद। देखिए, एक क्रिएटर वही सक्सेस होता है जो सही समय पर सही कॉन्टेंट अपलोड किए और सही नॉलेज के साथ, जो लोगों की ज़रूरत की हो, जिसे लोग सर्च करें। अगर आप वो कॉन्टेंट देते हो ना, तो आपके हाथ में सोने का खजाना लग गया, निकालो सोना। लेकिन अगर आप कितना भी हथौड़ा मार रहे हो और कितना भी आप मेहनत कर रहे हो, कितनी वीडियो बना रहे हो, लेकिन अगर आप सही कंटेंट नहीं दे रहे हो, सही समय पे सही कंटेंट नहीं अपलोड करते हो, तो भैया किसी काम का नहीं होगे। तो देखो, इतने टाइम IPL चल रहा है, IPL हर कोई देखना चाहता है। बहुत से लोग, मैं जानता हूँ, भारत के 60-70% लोग IPL को पसंद करते हैं। आई लव IPL, क्रिकेट के सभी दीवाने हैं। अब इसी क्रिकेट के लवरों के साथ चैनल को भी ग्रो कर सकती हो। मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो जैसे क्या करो, इतने टाइम लोग क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिकेट एक ट्रेंडिंग चल रहा है, अब ये महीने भर चलेगा, ऐसा नहीं कि कल बंद हो जाएगा, ये महीने भर चलेगा। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें क्रिकेट से रिलेटेड टॉपिक बनाना है। अगर आपका नया चैनल, अगर आपके पास कोई भी ऑडियंस नहीं है, अगर आपके चैनल पे 10-15 व्यूज आते हैं ना, तभी आप यह काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। देखो, अगर आप मोटिवेशन चैनल बनाना चाहते हो, मोटिवेशनल चैनल बनाना चाहते हो, तो क्या करना है, जो भी IPL में लोग खेल रहे हैं क्रिकेटर के बारे में, आप बायोग्राफी वीडियो बना सकते हो। भाई यही बात है, लोग देखना चाहेंगे, कोई नया खिलाड़ी आ रहा है, खिलाड़ी के बारे में बताओ, को खिलाड़ी कहाँ से है। अब लोग इतने समय इंटरेस्टेड है उनके हर एक चीज़ों को लेकर, तो आपको एक कॉन्टेंट मिल गया, लोग आपको जरूर देखेंगे। दूसरी है कि आप क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट के बारे में बता सकते हो, कि अब अगला क्रिकेट कब होने वाला है, अगला क्रिकेट में कौन कौन प्लेयर होने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी हैं, कौन सी ऑडियंस है। बहुत से न्यूज़ है यार, न्यूज़ निकलती रहती, निकालोगे तो तिल्ली का तिल्ला निकलता रहता है, न्यूज़ निकालोगे निकलेगा। क्रिकेट से रिलेटेड आपको अपडेट वीडियो बनाना है, उससे क्या होता है कि जो भी IPL को देखता है वो आपकी वीडियो को क्लिक करने का संभावना है 90% बढ़ जाती है, 90% बढ़ेगी। अब नहीं बनाओगे तो भैया क्या करेंगे हम। तीसरा पॉइंट ये है कि आप क्रिकेट प्रोडक्शन के बारे में बता सकते हो। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ क्रिकेट प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो भाई ये अलग से एक कंटेंट हो गया, अगर आप चाहो तो उस पर एक चैनल खोल सकते हो, बहुत ज़्यादा अर्निंग है इस पर, सही बताएं तो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा अर्निंग है यार ये क्रिकेट प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो प्रोडक्शन आप कर सकते हो, ये तीनों कॉन्टेंट आप बना सकते हो, आप आज़ाद हो, आज़ाद देश में। अब देखो, बहुत से लोग कहेंगे यार भैया, मैं अगर आप क्रिकेट के बारे में बता दूँ कल मेरी ऑडियंस मुझे ना देखे, तो अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छी सवाल पूछे हो। अब देखो, ये ध्यान दे लो कि अगर मेरी चाहे ऑडियंस है, अगर आप ही जो टेक देखते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि टेक में 60-70% ऐसे हैं जो क्रिकेट के दीवाने हैं। तो भाई क्या मैं टेक की वीडियो देखता हूँ, मैं कॉमेडी वीडियो देखता हूँ, तो क्या मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जानना चाहूँगा? क्या जानना चाहूँगा? ज़रूर जानना चाहूँगा। आज बताऊँगा क्रिकेट के बारे में, आज आप क्रिकेट के बारे में बताओ, कल जबकि IPL बंद हो जाएगा तब क्या करना है, आपको अपने कंटेंट के बारे में अपलोड करने लगना है। तो जो लोग हैं ना, वो एक बार आपको पहचान जाएंगे, हाँ इस बंदे की वीडियो में देखा था, वीडियो अच्छी बनाता है, अच्छी नॉलेज देता है, तब आपकी बातों को सुनेंगे, उससे आपके हाथ में एक मौका हो जाता है, हाँ यार अब तो कुछ अच्छा बल्ले बल्ले होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है मैं बताना चाहता था आपको। अगर आपको बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो सबसे बड़ी बात, तो भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं समझ में आई तो फिर एक बार देख लेना, पैसे नहीं हैं, ठीक है, पैसे नहीं लग रहे हैं, फिर से देख लेना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर ये सभी वीडियो देखना है तो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।